ट्रांजिट ट्रांजिट तुम इतना बुरा मत सोचो, अच्छा सोचो, बुरे ख्याल दिल से निकाल दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे दक्ष के बीच सिर्फ एक गलत फहमी है जो दूर हो जाएगी, हालात ही कुछ ऐसे हैं। प्रांजल, अभी भी अगर तुम्हें मुझ पर शक है या तुम मेरी वजह से परेशान हो तो मैं घर छोड़कर जाने के लिए तैयार। इसकी क्या जरूरत है दक्ष, सिर्फ एक गलत फहमी है तुम दोनों के बीच जो दूर हो जाएगी, दूर जाने की क्या जरूरत है? पलक सही कह रही है बेटा, तुम्हें घर छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है प्रांजल, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं कि दक्ष तुमसे नफरत करता है, तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम खुद ही सोचो कि अगर ऐसी बात होती तो दक्ष तुम्हें उस दिन हॉस्पिटल में क्यों बचाता? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि दक्ष ने अपनी गलतियां छुपाने के लिए मुझे जानबूझकर बचाया। नहीं प्रांजल, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। मैं दक्ष को अच्छी तरह से जानती हूँ, दक्ष वैसा नहीं सोचता जैसा तुम सोचते हो। बल्कि बल्कि क्या? बल्कि मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे अच्छे के लिए, ये तो मेरी बदकिस्मती थी कि मैंने जो कुछ भी अच्छा काम किया मुझे हमेशा गलत समझ लिया गया। कभी कभी तो लगता है कि खोट मुझ में और मुझे ही कुछ करना चाहिए। तुम ही बताओ पलक, ऐसे हालात में घर छोड़कर जाने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है जिस पर चलकर मैं प्रांजल के दिल में थोड़ी सी जगह बना सकूं। तुम घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, ये मेरा आखिरी फैसला है। दक्ष बेटा, मुझे लगता है तुम अपना सारा ध्यान इस वक्त बिजनेस में लगा दो। रही बात प्रांजल के देखभाल की, वो उसकी माँ और पलक देख लेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा, रात बहुत हो गई, सो जा रहे। चलो बेटा, पलक बेटा। वाह क्या फैसला है भाई, एक बेटा घर पर सोएगा, दूसरा बेटा सोने की खान खोदेगा। बेचारी पलक, वो ना सो पाएगी ना जाग पाएगी। देव, यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ चोरी छुपे सबकी बातें सुन रहे थे ना? बता बता। देव, come on, grow up। बताता हूँ केश की रानी, दरअसल कल रात मुझे प्रांजल का बिहेवियर कुछ अटपटा सा लगा। कल रात को पता है क्या हुआ? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि प्रांजल इतनी रात को मंदिर क्यों जाएगा। अरे यही सवाल तो बार बार मेरे मन में आ रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था इसका जवाब क्या है। तुम्हें इसका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, हमें इसका जवाब वो देगा। कौन? प्रांजल। और हाँ देव, अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ ना तो यहाँ पर खड़े खड़े चुपके से देखने के बजाय जाकर उसका पीछा करना। नाउ डू यू अंडरस्टैंड? समझ गया। चलो रात बहुत हो गया, सोता हूँ केशी रानिया, बाय। ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है दर? कल तुम जो भी थे दक्ष, अच्छे थे या बुरे, सही थे या गलत, वैसे ही अच्छे थे। कल तुम बहानों में रिश्ते निभाते थे और आज पलक से रिश्ता निभाने का बहाना ढूंढ रहे हो। गलत तो तुम आज भी नहीं हो दक्ष, क्योंकि तुम कल भी पलक से प्यार करते थे और आज भी पलक से प्यार करते हो।
और उसे पाने के लिए तुमने अपना सब कुछ खो दिया। अब तुमने गलत किया या सही, लेकिन मुझे तुम पर फक्र है। अब प्रांजल भी तुम्हारी तरह मेरा पोता है, लेकिन बदकिस्मती यह है कि तुम दोनों एक ही इंसान से प्यार करते और फिर पलक से शादी के बंधन में तुम बंधे हो, प्रांजल नहीं। और बेटा, पलक ने तुम्हें अपना पति मान लिया है, उस शादी के फेरों को उल्टा नहीं फेरा जा सकता। बेटा बेटा तुम अपने आप को अकेला मत समझ, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन बेटा एक दिन तुमको तुम्हारा प्यार जरूर मिलेगा। लेकिन अगर प्यार को पाने के लिए कोई गलती हो जाए या कोई गलत काम करना पड़े तो? सही गलत का फैसला कौन करेगा? हो सकता है जो मेरे लिए सही हो वो तुम्हारे लिए गलत हो। अगर ये कदम मैं नहीं उठाता तो मैं अपने भाई को खो दूंगा। दोनों तरफ से तो हार मेरी है ना दादाजी। अगर मैं अपने भाई को खो दूंगा तो मम्मी पापा दोनों का प्यार भी खो दूंगा। इतना सब कुछ कैसे खो सकता हूं मैं? एक बार बेटा तुम दक्ष और दादी आठवीं चोली खेल रहे थे, तुम कहीं छिप गए थे और दक्ष अचानक जो है दादी के सामने आ गया और दादी को लगा कि वो तुम हो। वो चिल्लाने लगे कि तुम चीटिंग करते हो, क्योंकि वो पहचान नहीं पाई वो तुम थे या दक्ष। दक्ष कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। क्यों, क्या हुआ? आज क्या दिन है? आज संडे है और आज ऑफिस बंद है और आज हॉलिडे। और तुम ऑफिस में छुट्टी मनाने जा रहे थे? प्लीज पलक, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। एक डर है जो मुझे डराता रहता है। जब भी प्रांजल मेरे सामने आता है तो कुछ सही नहीं होता, सब कुछ गलत हो जाता है और मैं और क्या, और सब लोग मुझ पर उंगलियां उठाते हैं। मुझे डर है कि कहीं किसी दिन तुम भी मुझ पर उंगली उठाओगे। दक्ष तुम ऐसी बातें सोचकर हमारे रिश्ते को किसी अंजाम पर मत पहुंचाओ। हमारे रिश्ते में तुम अकेले कोई फैसला मत करो। मैं जानती हूं तुम अनजाने में भी प्रांजल को चोट नहीं पहुंचाओगे। अगर मुझे तुम पर इतना विश्वास है तो तुम्हें भी अपने आप पर उतना ही विश्वास होना चाहिए। पलक बेटा, वो एल्बम का क्या हुआ? मम्मी जी मैं अभी लाती हूं। हम लोग साथ बैठकर प्रांजल को उसकी यादें याद दिला रहे हैं, शायद कुछ याद आ जाए। तुम जाओ, मैं अपने कमरे में हूं। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। गुड कैच।
अब तुम फेंको। प्रांजल, 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 तुम ठीक हो? कक्ष, ये तुमने क्या किया? तुमने इतनी जोर से प्रांजल की तरफ बॉल क्यों फेंकी? जाओ, तुम अंदर जाओ। Are you okay? इसे कहते हैं सही वक्त पर सही वार। जितना दर्द है उसे कहीं ज्यादा खुशी है। बेचारा शर्मिंदा दक्ष, प्यारी सी नर्स पलक और किस्मत वाला मैं प्रांजल जागीरदार। दक्ष, मैंने प्रांजल पर जानबूझकर बॉल नहीं फेंका था। मैं जानती हूँ दक्ष, मैंने तुमसे कहा ना, तुम जानबूझकर प्रांजल को कभी चोट नहीं पहुंचाओगे, मुझे तुम पर विश्वास है। तो फिर तुम इतनी बुरी तरह से मुझ पर क्यों चिल्लाई? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि प्रांजल तुमसे कुछ कहे या तुम पर कोई इल्जाम लगाए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही तुम्हें मुश्किल से बाहर निकालूं। मैं प्रांजल को कोई मौका नहीं देना चाहती। I'm sorry, पलक, मैंने तुम पर शक किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। It's okay, दक्ष, होता है। इस वक्त मैं प्रांजल को बुआ के पास छोड़कर आई हूँ, मैं जा रही हूँ। You relax, okay? प्रांजल बेटा, तुम्हें मेरी सहेली है ना, उसकी बेटी भद्रा याद है? याद करो ना बेटा, याद है क्या? हाँ? अच्छा हुआ तुम आ गई पलक, मुझे याद आया। कॉलेज के दिनों में हम फिल्में देखा करते थे। चलो ना पलक, आज भी एक फिल्म देख। हाँ वो, चलो ना पलक प्लीज। ये बुआ पहले से ही इतनी बोरिंग थी, कैसे कैसे लोगों की बातें कर। पलक, ये क्या हुआ दक्ष, ये चोट कैसे लगी? वो कुछ नहीं, बस एक कांच का टुकड़ा चुभ गया और मुझे तुम चुभ रहे हो। और मेडिसिन बॉक्स भी पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। वो मेरे कमरे में है, तुम चलो मेरे साथ। दक्ष की चोट मामूली है पलक, वो अपना ख्याल रख सकता है। चलो ना, मैं फिल्म का बिगिनिंग मिस नहीं करना चाहता। क्या बात है पलक बेटी, तुम इतनी उदास इतनी दुखी क्यों हो? क्या बात है पलक बेटा, तुम इस तरह रो क्यों रही? बताओ बेटा क्या हुआ? दादी, मेरी जिंदगी एक अजीब दोहराहे पर आकर खड़ी हो गई। दक्ष और प्रांजल के बीच बटके रह गई हूं मैं। बटके रह गई हूं से तुम्हारा क्या मतलब? अरे भाई, इंसान दो लोगों के बीच बटता तभी है जब वो खुद अपने को बांटता है। पलक बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तक तुम ही नहीं जान पाए कि तुम किससे प्यार करती हो? नहीं दादी, मैं सिर्फ और सिर्फ दक्ष से प्यार करती हूँ। जब मैंने अपना प्यार चुन लिया है तो ये चुनाव कैसा? मैं दक्ष से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उसे प्रांजल के हाथों दुखी नहीं देख सकती और ना ही प्रांजल को ना कह सकती। मैं क्या करूं दादी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
मम्मी पापा भी मेरी ये हालत देखकर बहुत परेशान है। वो सोचते हैं कि मेरे और दक्ष का सातवां फेरा नहीं हो पाया, हमारी शादी अधूरी रह गई, अच्छा शगुन नहीं है। पता नहीं मेरा और दक्ष का क्या होगा। सब ठीक होगा बेटा। मैं पलक को इस हालत में नहीं देख सकता, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बाबूजी क्या बात है, आज आपने हम दोनों को एक साथ बुला लिया, कुछ ठीक तो है ना? हम दोनों के लिए तो कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन क्या तुम दोनों को कुछ भी दिखाई नहीं देता? आज मैं तुम दोनों से साफ साफ कह देना चाहता हूं, ये सच है कि प्रांजल के वापस आने से हम बहुत खुश हैं, ये भी सच है कि इस दुनिया में हम प्रांजल को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ये भी सच है कि जितना प्यार हम प्रांजल से करते हैं उतना ही प्यार हम दक्ष और पलक से भी करते हैं। अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो शायद तुम दोनों को बुरा लगे, लेकिन ये सच है कि जब से प्रांजल वापस आया है दक्ष के साथ तुम दोनों वैसा ही बर्ताव कर रहे हो जैसे वो तुम्हारी औलाद है ही नहीं, लेकिन मां बाप के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। लेकिन बाबूजी दक्ष पलक के लिए वो सब कुछ कर रहा है जो वो कर सकता है, जबकि दक्ष पलक का पति है, जबकि वो जानता है कि पलक को कभी भी खो सकता है, जबकि वो जानता है कि प्रांजल कभी भी पलक को से मांग सकता है। पलक कोई चीज नहीं है, सामान नहीं है, जब जो जी चाहे जिससे मांग ले। वो तो अपने फर्ज निभा रही है, क्या तुम दोनों दक्ष और उसके पति कोई फर्ज निभा रहे हैं? दक्ष की पत्नी होते हुए भी क्या वो उसकी पत्नी बन पाई? क्योंकि वो नहीं चाहती कि प्रांजल को सच्चाई का पता लगे, और प्रांजल तो यही मानता है कि उन दोनों की सगाई हो चुकी। नहीं, अब मैं इस झूठ को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। लेकिन अगर ये सब बातें हम प्रांजल को बता देंगे तो शायद प्रांजल का वजूद मिट जाएगा। इस वक्त प्रांजल बहुत कमजोर है, उसे सहारे की जरूरत है। मैं ये भी जानती हूँ कि दक्ष और पलक के लिए ये सब करना बहुत मुश्किल। मैं पलक की तकलीफ समझ सकती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। बस एक बार प्रांजल ठीक हो जाए उसके बाद। उसके बाद कहीं ऐसा ना हो सुषमा कि प्रांजल पलक से इतना जुड़ जाए कि उसका दिल तोड़ना मुश्किल हो जाए। एक उलझन को सुलझाने के लिए दूसरी उलझन मत पैदा करो। ऐसा ना हो कि प्रांजल तो ठीक हो जाए और दक्ष की हालत प्रांजल जैसी। एक बेटा पाने के लिए दूसरे बेटे को मत खो। अगर तुम्हें मुझ पर जरा भी विश्वास है तो मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि तुम जल्द से जल्द पलक और दक्ष की अधूरी शादी को पूरा करा दो, वरना तुम्हारा परिवार अधूरा रह जाएगा।